बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतीपुर पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, जहां पर 178 एकड़ में लगाए जा रहे उद्योगों का स्थल निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने कहा कि लोग कहता था कि बिहार में उद्योग की संभावनाएं कम है, वैसे जगहों पर उद्योग का जाल बिछाया जा रहा है। इथेनॉल उद्योग से लेकर मेगा फूड पार्क तक का उद्योग लगाया जा रहा है, जहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता व बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन काल में रोड, बिजली, पानी और कृषि के विकास के लिए जाना जाता है। वहीं 20 से 25 तक का यह कार्यकाल उद्योग को विकसित करने के लिए जाना जाएगा, जिसके लिए लगातार उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इनको पीछे छोड़िए ना भाई, सिक्योरिटी पीछे रखो ना लोगों को। जो लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, उनके लिए मोतीपुर एक जगह है जहां आकर देखना चाहिए कि यहां उद्योग लगने का काम शुरू हो गया है। कई इथेनॉल प्लांट, कई मेगा फूड पार्क में और कई चीज़ों में नई नई इंडस्ट्री यहां पर आ रही है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि में बहुत काम हुआ है और उद्योग में भी अब बहुत काम हो रहा है। इसलिए 2025 तक NDA की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और वो ये पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का उद्योग का कार्यकाल माना जाए, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्या सर, ये फूड पार्क सर कितने एकड़ में इसको मिलेगा? यही ना मिलेगा जो यहाँ आदमी काम। सर कितने एकड़ में यहाँ डेवलप किया जा रहा है? वो सब पहले आपको बताई, क्योंकि हम लोग कई बार जी कितने एकड़ में 178 एकड़ में मेगा फूड पार्क है जी, जी। बाकी जमीन दी है, अभी जिनको जमीन दी है वो बाउंड्री कर रहे हैं, जल्दी जल्दी प्लांट लगेगा और मोतीपुर के लोगों को तो खासतौर पर रोजगार मिलेगा। सर मुजफ्फरपुर में उपचुनाव होना है।